गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी, फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आपके फोर्थ सेमेस्टर का पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सतत विकास एवं पर्यावरण। तो आइए जानते हैं सतत विकास की अवधारणा को। सतत विकास शब्द जो है ये अंग्रेजी के दो शब्दों सस्टेन प्लस डेवलपमेंट से मिलकर बना है। सस्टेन का अर्थ है संभालना या पोषित करना और डेवलपमेंट का अर्थ है विकास। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत जो है ये 1962 में हुई थी। सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करें। भारतीयों के लिए पर्यावरण संरक्षण जो सतत विकास का एक अभिन्न अंग है, कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत में जैसा कि आप जानते ही हैं कि शुरू से ही आदिकाल से ही प्राचीन काल से ही प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण अगाध आस्था की बात है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित होता है और पौराणिक गाथाओं, लोक कथाओं, धर्मों, क्रियाकलापों और संस्कृति में भी वर्णित हैं। मानव अपने विकास हेतु सदा से ही पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति व्यापक औद्योगीकरण एवं संसाधन विदोहन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसी पर्यावरण विरोधी क्रियाओं ने हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन एंड वैश्विक तापमान वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग आदि समस्याओं को जन्म दिया है। यदि यही क्रियाएं निरंतर जारी रहीं तो मानव को न केवल अपना विकास रोकने के लिए बाध्य होना पड़ेगा बल्कि स्वयं के अस्तित्व की समस्या से भी गुजरना पड़ेगा। अतः समय रहते मानव को अपनी विकास प्रक्रिया तथा संसाधन उपलब्धता पर सचेत होने की आवश्यकता है। अगर मानव इस तरफ जागरूक नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब उसे अपने अस्तित्व के लिए भी सोचना पड़ेगा कि वो इस पृथ्वी पर कैसे जीवित रहे। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में स्वीकार किया गया था और इसे 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास जो है एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सके और पारितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे। सतत विकास का अभिप्राय विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है। यानी हम डेवलप तो करें लेकिन उसके साथ साथ हमारे डेवलपमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ हों वो ऐसी होनी चाहिए कि उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे संसाधनों को कोई हानि ना पहुंचे और उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हम बचाकर रख पाएं। तो सतत विकास शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो हमारा साझा भविष्य नामक एक पत्र में हुई थी जिसे ब्रेट लिंच द्वारा जारी किया गया था। तो सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने 1987 में किया था। सतत विकास के उद्देश्य, देखिए इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है। और जैसा कि अभी हमने इसके अर्थ या परिभाषा को जाना उसमें से कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं। जैसे सतत विकास का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो कि हमेशा के लिए बना रहे,
प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरणीय असंतुलन ना हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो। तीसरी बात, सतत विकास की एक न्यूनतम आवश्यकता प्राकृतिक संसाधन भंडार को वर्तमान स्तर या उससे अधिक बनाए रखना है। तो सतत विकास के इस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ उद्देश्य हमारे सामने निकल कर आते हैं, जिसमें प्रथम है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना। सबसे प्रथम उद्देश्य है यह सतत विकास का कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जितना ज़रूरी है केवल उतना ही करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए करें कि ये प्राकृतिक संसाधन हैं, अगर इनका हम दुरुपयोग करेंगे तो एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगी, कैसे जीवित रह पाएंगी इस पृथ्वी पर। दूसरा है नई तकनीकों की खोज करना, यानी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करना, ऐसी टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करना या इन्वेंट करना जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना हो और प्राकृतिक संसाधनों को हम भविष्य के लिए बचाकर रख पाएँ। विविधता की रक्षा करना, विविधता की रक्षा करना सतत विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो विविधता की रक्षा करना तथा विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना जिससे विविधता की रक्षा हो सके। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत जो है वो एक विविधताओं वाला देश है, तो इस विविधता की रक्षा करना यानी केवल सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, संसाधनों की दृष्टि से भी भारत में विविधता जो है वो देखने को मिलती है, तो उस विविधता की रक्षा करना। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को क्षति पहुंचाए उनके विकास में योगदान दे सकें। इसके साथ साथ जीवन स्तर को समानता तथा न्याय के अनुरूप बनाना, यानी कि सभी को जो है सभी व्यक्ति जो हैं वो एक मानक जीवन स्तर को प्राप्त कर सके, जीवन स्तर में समानता हो, न्याय के अनुरूप हो, वो मानवता के व्यापक हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना ये सतत विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, यानी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना जिससे कि व्यक्ति जो हैं वो सतत विकास के इस कॉन्सेप्ट को भली प्रकार से समझ पाएँ, अपना योगदान ऐसी क्रियाओं के विकास में दे पाएँ और विकास के शुद्ध लाभ को अधिकतम बनाने का प्रयास करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम डेवलप हों लेकिन उसके साथ साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा कर पाएँ। सतत विकास की अवधारणा के मूल तत्व, सतत विकास की अवधारणा के मूल तत्व हैं मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना। यानी सतत विकास का उद्देश्य ये नहीं है कि आप जो हैं संसाधनों का यूज़ बहुत कम से कम करें, जितना आवश्यक है उतना भी नहीं करें, नहीं, इतना तो करें कि मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो संसाधनों से हो उनकी पूर्ति हो पाए। दूसरा, मनुष्य के वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं में सामंजस्य तालमेल बन पाए, बैलेंस बन पाए। आर्थिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक पूंजी का भी संरक्षण हो पाए, प्रदूषण कम से कम हो, यानी डेवलपमेंट की ये जो एक होड़ है इस होड़ में ऐसा ना हो कि हम प्रदूषण को, पॉल्यूशन को जो है, पॉल्यूशन की जो समस्या है उसको उसकी अनदेखी करें, यानी हम डेवलप करें, नई नई प्रौद्योगिकी को एक्सेप्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि पॉल्यूशन ना हो पाए।
जनसाधारण की विकास में सहभागिता को सुनिश्चित करें, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का संरक्षण करें और जनसंख्या नियंत्रण, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक बहुत ज़रूरी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण आप जानते ही हैं, जैसा कि भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या संसाधन अगर सीमित होंगे और जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उनका जो उपयोग है वो उचित तरीके से हो ही नहीं पाएगा। और ये जो हम सारी जो हमारी जो सतत विकास की अवधारणा है वो कैसे आगे बढ़ेगी, तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मूल्यों तथा आचारों में सकारात्मक परिवर्तन आने चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही सतत विकास की आवश्यकता क्या है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या महत्व है। देखिए, सतत विकास की बहुत आवश्यकता है, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है, मानव प्रगति एवं विकास के लिए है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए है, अधिगम एवं शिक्षा हेतु भी सतत विकास की आवश्यकता है और जीवन का अस्तित्व बचाने के लिए भी सतत विकास की आवश्यकता है। तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने संसाधनों को, जो अवेलेबल हमारे जो रिसोर्सेस हैं, उनको ऐसे यूज़ करें कि वो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें, जिससे वो अपना जीवन अच्छे तरीके से जो है यापन कर पाएँ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पर्यावरण नामक प्रकरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।